राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और HDFC बैंक के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय परिसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामाजिक दायित्व निभाते हुए रक्तदान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने 21 यूनिट रक्तदान किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रक्तदाता HDFC बैंक के क्षेत्रीय अध्यक्ष आलोक ध्यानी, कार्यक्रम अधिकारी दीपेंद्र मोहन और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ केशव सिंह ने कहा। घुमा दीजिए। क्या हो रहा है? आपको वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? बोल दबा बोल। सुभाषी से यादव, मैं भारत के नौजवानों को कहूँगा कि उन्हें रक्तदान करें। रक्तदान एक महादान है और आजकल के युवाओं करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना इस पहल कर रही है। प्रियंका मिश्रा, सभी को रक्तदान करना चाहिए। जैसे अगर हमारे रक्तदान करने से किसी का भला हो तो हम सभी को एक साथ मिलकर रक्तदान करना चाहिए। और रक्तदान करने से कोई कमजोरी तो होती नहीं है, सबको मिलकर एक काम में सहयोग देना चाहिए। इससे किसी गरीब का भला होगा, किसी को जीवन दान मिलेगा। दीपेंद्र मोहन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, NSS और HDFC बैंक के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कराया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रक्त शरीर का वह तरल पदार्थ है जो कोशिकाओं तक आवश्यक प्रोटीन्स की कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाता है। इसके अलावा अगर हम बताएं कि रक्तदान के फायदे क्या हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि नियमित अंतराल पर रक्तदान करने पर, यानी कि हर 4 महीने पर पुरुषों के लिए और हर 5 महीने या 6 महीने पर महिलाओं को रक्तदान करना चाहिए। इससे फायदे होगा कि ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, शुगर की संभावनाएं कम हो जाएंगी, कैंसर की संभावनाएं कम हो जाएंगी, तथा जो आयरन बॉडी में ज़्यादा होता है वो समय के साथ साथ अगर ज़्यादा है तो एक नियंत्रित लेवल पर रहेगा। इसीलिए ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और रक्तदान एक महादान है, क्योंकि इससे आप उन लोगों की जीवन को या प्राण को बचाते हैं जो लोग इसकी कमी की वजह से कम आयु में या फिर जिनका निधन हो जाता है। धन्यवाद। HDFC बैंक, एक्चुअली ये हमारा 12वां साल है जब हम लोग रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, और ये हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि गोरखपुर में आयोजित कर रहे हैं, पूरे भारत में हम लोग इसका आयोजन करते हैं बहुत बड़े स्तर पे। तो हमारे बैंक का एक्चुअली बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम लोग चाहते हैं कि जन जन तक ये हमारा ये जो अभियान है ये पूरी तरह से पहुँचे और इसमें सब लोग जागरूक हों और अपना सहयोग दें। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना तथा HDFC बैंक गोरखपुर शाखा द्वारा संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, आवासीय परिसर के तथा हमारे संबद्ध महाविद्यालयों के आज रक्तदान कर रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। करीब 30 से 40 स्वयंसेवक आज रक्तदान कर रहे हैं, एक एक यूनिट रक्तदान कर रहे हैं। देखिए, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य में अपने समाज के प्रति जो एक जागरूकता होनी चाहिए उसको जगाने के लिए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे कुल सचिव श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी तथा हमारे वित्त अधिकारी महोदय, हमारे शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी तथा हमारे अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर रविशंकर सिंह साहब हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किए हैं। उन्होंने बच्चों का उद्बोधन किया है, उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। हमारे इस कार्यक्रम में कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर BN सिंह साहब, पूर्व उपाध्यक्ष कर्मचारी संघ श्री संतोष कुमार सिंह तथा हमारे कार्यक्रम अधिकारीगण तथा कॉलेज के तमाम कार्यक्रम अधिकारीगण यहाँ प्रतिभाग किए हैं। HDFC बैंक के कर्मचारीगण अधिकारीगण इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चूँकि
हम समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ अपने सामाजिक गतिविधियों के लिए हमें समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।